डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष में हमारे यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हिंदी सप्ताह की का आयोजन कर रही है। इसी उपलक्ष में आज हमारे साथ विशुद्ध हिंदी साक्षात्कार के लिए विद्वान व्यक्तित्व डॉक्टर धीरज भाई वणकर जी उपस्थित हैं। आप मूलतः गुजराती हैं, आपकी मातृभाषा गुजराती है, किंतु आपने हिंदी में पढ़ाई की, पीएचडी की, संस्कृत में विशारद किया और अभी डीएलएस कॉलेज फॉर गर्ल्स में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर का एक छोटा परिचय मैं यहाँ देना चाहूँगी। आपने 22 के लगभग पुस्तकें लिखी और संपादित की हैं, 150 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं और सृजनात्मक लेखन में लघु कथाएं, कविताएं इत्यादि, निबंध इत्यादि आपके अनेक स्थानों पर, अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपको रविंद्रनाथ टैगोर लेखन पुरस्कार मिला है, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टैलेंट रिसर्च नेशनल अवार्ड आपने प्राप्त किया है। इसके अलावा कई बार अपने लेखन के लिए और हिंदी के लिए किए गए कार्यों के लिए गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली द्वारा भी आप पुरस्कार प्राप्त हैं, आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे विद्वान व्यक्तित्व आज हमारे सामने उपस्थित है, हमारे साथ उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है। आज हम गुजरात में हिंदी साहित्य किस प्रकार पल्लवित पुष्पित हुआ, उसकी क्या विकास धारा रही है, इसके विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर धीरज वणकर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आरंभ में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मध्यकालीन समय में, जिस समय हिंदी लगभग बननी अभी शुरू ही हुई थी, अपभ्रंश से हिंदी की ओर बढ़ रही थी, तब गुजरात में हिंदी साहित्य क्या था? कुछ लोग थे कि हिंदी में लिख रहे थे, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। जी नमस्कार अर्चना जी। गुजरात और हिंदी भाषी प्रदेश है, फिर भी हिंदी के विकास में गुजरात के योगदान को हम कतई नहीं भूल सकते। जहाँ तक आपने एक अच्छा सवाल मेरे सामने खड़ा किया कि मध्यकाल में गुजरात में हिंदी की क्या स्थिति थी, तो मध्यकाल की अगर बात की जाए तो कच्छ भुज में महाराज लखपत सिंह ने 1747 में ब्रज भाषा पाठशाला की स्थापना की थी और उस ब्रज भाषा पाठशाला में भारत भर के अलग अलग स्थानों से कवि वहाँ आते थे, ब्रज भाषा सीखते थे और ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। बिहारी सत्सई और केशव की रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसे ग्रंथों का वहाँ पाठ भी होता था, अध्ययन भी होता था। इसके बाद अगर हम देखें तो गुजरात के कई ऐसे मध्यकाल के रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं दी, जैसे कि अखा। अखा जो है वह गुजरात के अहमदाबाद महानगर के निकटतम जीतलपुर गाँव में उनका जन्म हुआ था और अखा पारिवारिक दृष्टि से उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने परिवार को छोड़ दिया, गोकुल गए और गोकुल जाकर के अखा ने गोकुलनाथ से शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की और फिर उन्होंने हिंदी में कई ग्रंथ दिए। जो काम मध्यकाल में कबीर ने किया, अन्य संत कवियों ने किया, सामाजिक रूढ़िया, पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियाँ जो थी उसको दूर करने के लिए कबीर ने जो काम किया, वही काम गुजरात के मध्यकाल के अखा ने हिंदी में वो काम किया। इसके अतिरिक्त दयाराम गुजरात के एक मध्यकाल के जाना माना नाम है। दयाराम का जन्म जो है
वो बड़ौदा के निकट नजदीक आया हुआ चाणोद नाम का गांव है और दयाराम ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। किंतु अगर दयाराम के मुख्य ग्रंथ की हम बात करें तो उनके द्वारा लिखित दयाराम सस्सई इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। वैसे हिंदी साहित्य जगत में अनेक सस्सैया लिखी गई है। ऐसे गुजरात की पृष्ठभूमि में मध्यकाल के कवि दयाराम ने दयाराम सस्सई लिखी। इस कृति में 732 दोहे हैं जिसमें प्रेम, प्रकृति, भक्ति और नीति विषय दोहे अधिक आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मध्यकाल के दादू दयाल भी अहमदाबाद के रहने वाले थे, कबीर की परंपरा के रचनाकार हैं। भाण है, भाणने भी भले वो गुजरात के रहने वाले थे, भाणने लिखा। प्राणनाथ है, स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत थे, महंत जो थे, मुक्तानंद स्वामी है, ब्रह्मानंद स्वामी मैम है, ऐसे अनेक रचनाकार जो स्वामीनारायण संप्रदाय से थे, इन लोगों ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपनी रचनाएं जो है वो उन्होंने हिंदी में लिखी। और हमारे नरसिंह मेहता के भी कुछ पद हमें ब्रज में मिलते हैं जो हिंदी में लिखे। मीराबाई भले राजस्थान की रहने वाली थी, लेकिन मीराबाई अपने जीवन के अंतिम दौर में वो गुजरात के द्वारका में आई और इन्होंने भी हिंदी में कुछ पदों की रचना की है। इस प्रकार अगर हम देखें तो मध्यकाल में हिंदी लिखने की एक परंपरा रही है। हिंदी के विकास में मध्यकाल के गुजरात के रचनाकारों की भी एक महती भूमिका रही है, ऐसा मैम हम कह सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी सर। इतना विस्तार से हम सबको संभवतः नहीं मालूम होगा। हिंदी प्रेमियों को ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मध्यकाल में भी गुजरात में हिंदी की इतनी बोलबाला था और हिंदी में रचनाएं सभी संत लेखक कर रहे थे। और निश्चित रूप से मैं मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और वहाँ रहते हुए भी मुझे पता चला था कि जो अहिंदी भाषी प्रदेश हैं जितने भी, उसमें से गुजरात ऐसा प्रदेश है जिसमें कि हिंदी को सबसे अधिक बढ़ावा मिला है। मुझे पता चला था कि पहला जो तकनीकी विश्वविद्यालय हिंदी में खुला वह किसी हिंदी भाषी प्रदेश में होने के बजाय गुजरात में था। पहला हिंदी तकनीकी विश्वविद्यालय गुजरात में खुला था। तो ये गुजरात की महिमा है कि वो राष्ट्रभाषा हिंदी को हमेशा आगे रखती है। सर, इसी क्रम में मध्यकाल से आगे बढ़ते हुए जब आधुनिक काल में हम पहुंचते हैं, माने 19वीं शताब्दी, जब पूरे उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में हिंदी आरंभ हुई, उस समय गुजरात में हिंदी में क्या रचनाएं हो रही थी और किस प्रकार की रचनाएं हो रही थी, उस पर आप अगर प्रकाश डालें कुछ 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी में। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो धाराएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, वो विधाएं हिंदी पट्टी में अस्तित्व में आई। उसके साथ साथ गुजरात में भी विभिन्न विधाओं में लेखन का कार्य शुरू हुआ। आपने एक अच्छी बात कही कि गुजरात हिंदी तर भाषी प्रदेश है। इस प्रदेश की एक बात मैम ये भी है कि गुजरात सरकार जो है, उस गुजरात सरकार या गुजरात की मातृभाषा गुजराती है, लेकिन एक ऐसा ये प्रांत है जहाँ गुजराती के साथ साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना, ये गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यानी यहाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। आधुनिक काल में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में कई ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने आधुनिक काल में अपनी कलम उठा करके हिंदी की विविध विधाओं को समृद्ध किया। जैसे काव्य लेखन, काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है, ऐसे अनेक क्षेत्र है, अनेक विधाएं हैं। उन विधाओं में खास करके आधुनिक काल के रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिख करके हिंदी को समृद्ध करने की पूर्णतया इन लोगों ने कोशिश की है। अंबाशंकर नागर, मैं एक यहाँ इस बात का जिक्र अवश्य करूँगा कि जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आदरणीय रंजना अरगड़े ने एक विभाजन किया था कि गुजरात में जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है 19वीं शताब्दी में या आधुनिक काल में, मुख्य तौर पर तीन विभागों में उन्होंने विभाजित किया था। एक है पहली पीढ़ी की रचनाकार, और दूसरी पीढ़ी की रचनाकार, और तीसरी पीढ़ी की रचनाकार। तो 19वीं शताब्दी की अगर हम पहली पीढ़ी की बात करते हैं
तो परम आदरणीय अम्बा शंकर नागर जिनका प्रमलोचना नाम का महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है, आदरणीय अम्बा शंकर नागर, राम कुमार गुप्ता, महावीर सिंह चौहान, इसके अतिरिक्त सुदास श्रीवास्तव हैं, द्वारिका प्रसाद सांचीहर है, राम रमाकांत शर्मा है, किशोर काबरा जी है, अंजना संदीर जी है, गोवर्धन शर्मा जो है, ऐसे वसंत परिहार जी है, ये पहली पीढ़ी के रचनाकार है जिन्होंने गुजरात में 19वीं शताब्दी में लेखन की शुरुआत की और तकरीबन लगभग सभी विधाओं में उन लोगों ने लेखनी चलाई। दूसरा जो विभाजन रंजना जी ने किया है वो विभाजन है जिसके अंतर्गत हम सुल्तान अहमद जी को ले सकते हैं। सुल्तान अहमद जी एक जाने माने गज़लकार है, फिर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। सुल्तान अहमद जी है, भगवान दास जैन है, द्वारिका प्रसाद सांची है, शेखर जैन है, अंजना संदीर है, इसके अतिरिक्त और भी महिला रचनाकार है, प्रणव भारती का नाम हम ले सकते हैं, नीलम कुलश्रेष्ठ का नाम हम ले सकते हैं, सुधा श्रीवास्तव का नाम हम ले सकते हैं, गायत्री लालवाणी का हम नाम ले सकते हैं, धनंजय चौहान का हम नाम ले सकते हैं, रंजना अरगड़े जी भी अच्छी कविताएं लिख रही है, खिड़कियाँ झरोखे और लड़कियाँ इनका काव्य संग्रह अभी फिलहाल ही आया है। तो ऐसे अनेक रचनाकार हैं जो कविता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में, कहानी विधा के अंतर्गत भी कई ऐसे समृद्ध यहाँ के कहानीकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया। यानी आधुनिक काल में भी ज़्यादातर लगभग सभी विधाओं में यहाँ के रचनाकारों ने अपनी लेखनी चला करके हिंदी को समृद्ध करने में पूरा प्रयास किया है। जी सर, आपने विस्तार से बताया कि कौन लिख रहे हैं, आधुनिक युग में 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक ये निरंतर धारा प्रवाहित हो रही है। मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूँगी कि दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने अपना सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हिंदी में ही लिखा, स्वयं गुजराती होते हुए भी, और यही सोच करके कि पूरे राष्ट्र में इसका प्रचार होना चाहिए इस चीज़ का, तो मैंने हिंदी गुजरात में हमेशा अपनी उच्च स्थिति बनाए रखी हुई है, ये आपके विवरण से समझ में आता है। सर, आप स्वयं कविताएं लिखते हैं, लघु कथाएं आपकी हैं, पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हैं, तो सर आप अपने अनुभव बताएं और अपने समकालीन में आप किसको किसको देखते हैं रचनाकार के रूप में, अभी कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसके विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी अवश्य अर्चना जी, मैं बात करूँगा। आपने एक अच्छा यहाँ संकेत दिया कि दयानंद सरस्वती मूलतया संस्कृत के अच्छे प्रकार पंडित थे, फिर भी वो हिंदी के उत्थान करना चाहते थे। इन्होंने सत्य प्रकाश न संस्कृत में न लिख करके उन्होंने हिंदी में लिखे। महात्मा गांधी को मैं यह अवश्य याद करूँगा। महात्मा गांधी ने 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने स्पष्ट शब्दों में गांधी जी ने जिक्र किया कि अंग्रेजों को कह देना कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, या तो राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अब बात आपने मेरे व्यक्तित्व या कृतित्व से संबंधित सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पहले से जब मैं स्नातक स्तर पर पढ़ रहा था तब से मुझे कविता लेखन में रुचि थी और मैं तकरीबन लगभग एमए के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था तब मैंने पहली कविता लिखी थी और वो कविता मैंने लिखी थी गुजराती में। शुरुआत के दौर में मैं गुजराती में लिखता था, फिर धीरे 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 मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। हिंदी में जो अभी लोग लिख रहे हैं मेरे समकालीन अनेक रचनाकार हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ी मेरी बात कर लूँगा कि मेरे अब तक 4 काव्य संग्रह आ चुके हैं, अब चुप थोड़े रहेंगे, हौसलों की उड़ान, संघर्ष के आदि, घुटन भरी जिंदगी, और 2 हाइकू संग्रह भी, हाइकू विधा में भी मैं कलम चला रहा हूँ। एक हाइकू संग्रह है तिल का ताड़, जिसको हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात की ओर से इस हाइकू संग्रह को पुरस्कृत किया गया है। दूसरा हाइकू संग्रह 2022 में आया, शब्द तरंग आया है, और फिलहाल 1 महीने पहला मेरा एक लघु कथा संग्रह आया है और खामोशी टूटने लगी। तो इस प्रकार से 7 जितने मेरे मौलिक ग्रंथ है और इन ग्रंथों में समसामयिक जो समस्याएँ हैं, महंगाई है, नारी से जुड़ी हुई समस्याएँ है, वृक्ष बचाओ, विस्थापन की समस्या है, दलितों की व्यथा है, आदिवासी विस्थापन की समस्या है, महिला पर होने वाले अत्याचार जो है, यानी समसामयिक जो समस्या है, उन समस्याओं को मैं बारीकाई से देखता हूँ और देख करके उस पर मैं अपनी कलम चलाता हूँ कि ये जिस प्रकार से हमारे समाज में चल रहा है, एक सर्जक का दायित्व बनता है कि समाज में जो कुछ हो रहा है अगर साहित्यकार आवाज़ नहीं उठाएंगे तो, और एक कलम एक बहुत बड़ा हथियार है जो सामाजिक परिवर्तन में अपनी
महती भूमिका निभा सकते हैं। ये 21वीं सदी में मेरे समकालीन रचनाकारों की बात अगर यहाँ की जाए तो मेरे समकालीन रचनाकारों में मैं डॉक्टर धनंजय चौहान को याद करूँगा। इनके 6 हाइकू संग्रह प्रकाशित हो चुके, 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके। ईश्वर सिंह चौहान जो है एक उभरते हुए हमारे युवा रचनाकार, इनके 2 काव्य संग्रह निकले हैं। मालिनी गौतम जी जो संतरामपुर कॉलेज में अंग्रेजी की अध्यापिका है लेकिन हिंदी में लिखती है, इसके अतिरिक्त दाहोद में गायत्री लालवानी जी है, उनका एक काव्य संग्रह में मिला है मानवता कुम्हराई। इसके अलावा वल्लभ विद्यानगर में रहने वाले जो मूलतया एक स्कूल में अध्यापक है डॉक्टर खन्ना प्रसाद अमीन, इनके 2 काव्य संग्रह हमें मिले हैं, सत्ता के सौदागर, आदिवासी की मौत। यानी यहाँ विमर्श पर भी, मैं आगे हम बात करेंगे, विमर्श पर भी यहाँ साहित्य लिखा जा रहा है। मालिनी गौतम की बात, अनु मेहता जी है, नैना डेली वाला है, रंजना अरगड़े जी है, ऐसे अनेक समकालीन, श्रीराम त्रिपाठी जी है, ऐसे अनेक रचनाकार हैं जो आज भी अपने कलम के माध्यम से, और इनमें यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाएं जो है, इन पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है कि जितने नवोदित रचनाकार है, इन नवोदित रचनाकारों की रचनाओं को प्रकाशित करके उनका हौसला बढ़ाने का काम जो है वो आजकल की जो हमारे यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाएं। तो समकालीन साहित्य की बात करें, समकालीन रचनाकारों की बात करें तो सैकड़ों की, तो बहुत मात्रा में हम यहाँ साहित्य, नए नए रचनाकार उभर के आ रहे हैं और वो अपने कलम के माध्यम से कविता क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में ऋषिपाल दीमान को हम याद कर सकते हैं, तो ऐसे अनेक रचनाकार, मधु प्रसाद को हम याद करते हैं जिनका अभी हाइकू संग्रह जुर्मुट से जानते हैं उनका हाइकू संग्रह, निशा चंद्रा की बात हम कर सकते हैं, रानू मुखर्जी को हम याद कर सकते हैं, कल्पना गवली को हम याद कर सकते हैं, हम पारुकांत देसाई को हम याद कर सकते, गुजरात से 3 सत्सैया भी मैडम हमें यहाँ से मिली, एक दयाराम सत्सैया तो हमें मिली मध्यकाल में, लेकिन हमें किशोर काबरा जी की किशोर सत्सैया मिली, और हमें बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जो पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके ऐसे पारुकांत देसाई की देसाई सत्सैया भी हमें मिली है। दिलीप मेहरा एक अच्छे कहानीकार है, वो भी कहानी लिख रहे, श्रीराम त्रिपाठी जी जो है कहानीकार लिख रहे, अनेक नाम है, इन सबका अभी जिक्र करना थोड़ा वो है समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। जी 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 जरूर, आप जिस प्रकार से बता रहे थे मुझे लग रहा था कि हमारा जो पूरा समय है उनके सूची में ही निकल जाएगा। दो बातें और पूछना चाहती हूँ, एक तो हाइकू संग्रह की आपने बात की, जितनी मेरी जानकारी है संभवतः मैंने हाइकू मूलतः तो जापान की विधा है और हिंदी में निश्चित रूप से जब मैं अपनी रुचि से इसको देखने गई तो मुझे हिंदी भाषी प्रदेशों में हाइकू उतना लिखते हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन गुजरात में अभी आपके बात से मुझे पता चला कि इतने सारे हाइकू संग्रह निकले हुए हैं, तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। आप मैंने, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि हाइकू और कहीं लिखा जा रहा है, तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। अर्चना जी ने एक बहुत सवाल दर्शक मित्रों हमारे सामने उपस्थित किया है। हाइकू लेखन जो है इसकी एक समृद्ध परंपरा गुजरात में रही है। हाइकू के जो पूर्वोदा है डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल, गुजरात के LDRs कॉलेज में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे। शुरुआत जो है भगवत शरण अग्रवाल ने किए, टुकड़े टुकड़े क्षितिज इनका एक हाइकू संग्रह है, और उनके पश्चात हमारी राष्ट्रभाषा महाविद्यालय जो है वहाँ की गुज्जर राष्ट्रवीणा जो पत्रिका निकलती है इनके संपादक रह चुके आचार्य रघुनाथ भट्ट जी, उन्होंने 2 हाइकू संग्रह में दिए, एक दिया हाइकू सती और दूसरा दिया हाइकू त्रिशती, ये दिए। इसके बाद धनंजय चौहान जो है इनके 6 हाइकू संग्रह आए हैं, उनमें आईना है, संवेदना के मोती है, शतरंज के मोहरे, ऐसे इनके हाइकू संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त कांति अय्यर का एक हाइकू संग्रह में मिला उत्कर्ष की ओर, और मेरा सौभाग्य है कि मुझसे बड़ी वरिष्ठ थी और उनकी भूमिका लिखने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था, उत्कर्ष की ओर उनका हाइकू संग्रह। मधु प्रसाद का जो हाइकू संग्रह है उसका नाम है झुरमुट से जागते हुए, कुछ दिनों पहले ही उनका विमोचन हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है मंजू महिमा भटनागर, जिन्होंने अर्चना जी तकरीबन 1 साल पहले गुजरात में रहने वाली 35 महिला हाइकूकारों के हाइकू का संकलन करके गुर्जरी पल्लव नाम से उन्होंने प्रकाशित, जिसने 35 गुजरात में रहने वाली महिला हाइकूकारों की हाइकू की। ये आपने एक अच्छी बात की कि जो हिंदी प्रदेश है वहाँ हाइकू कम मात्रा में, अभी कम और भी लोग लिख रहे हैं,
लेकिन ज़्यादातर गुजरात जो है उस गुजरात में हिंदी में हाइकू लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। और भगवत शरण अग्रवाल ने सबसे पहले क्या किया कि हमारे गुजराती के जो रचनाकार हाइकूकार स्नेह रश्मि, उस स्नेह रश्मि के हाइकुओं का उन्होंने अनुवाद किया, बाद में खुद उन्होंने हाइकू लिखना शुरू किया और इसके बाद एक सुदीर्घ परंपरा रही। जैसे मैंने आपको नाम दिए, मैं एक आध हाइकू आपको यहाँ अवश्य सुनाना मैं चाहूँगा। मैं एक मेरा हाइकू संग्रह मेरा खुद का ही मैं आपको एक समझाने यहाँ सुनाऊँगा। ये हाइकू आपने कहा कि मूलतः वो जापानी विधा है, बिल्कुल जापानी विधा है। 5, 7 और 5 कुल मिलाकर के 17 अक्षर में हाइकू की रचना की जाती है। लेकिन ये बिहारी वाली बात है कि 17 अक्षर बनने से हाइकू की रचना नहीं हो जाती। लेकिन हाइकू में आपके एक बहुत कम शब्दों में आपको भाव को व्यक्त करना है। इसमें विशेष करके प्रकृति चित्रण है, अध्यात्म चित्रण जो है, इस प्रकार के शुरुआत के दौर में हाइकू लिखे जाते थे। आज जो हाइकू लिखे जा रहे हैं वो समसामयिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हाइकूकार उपस्थित करते हैं, उजागर करते हैं। वसंत ऋतु को लेकर के ऋतु संबंधी है या प्रकृति चित्रण संबंधी या आध्यात्मिकता संबंधी जो है, ऐसे अनेक प्रकार के हाइकू हमें अग्रवाल जी के हाइकू में मिलेंगे, हमें भट्ट साहब के हाइकू मिलेंगे, धनंजय भाई के मिलेंगे, या हमें अय्यर जी के मिलेंगे, मधु प्रसाद जी के मिलेंगे, या हमारे रंजना जी भी अच्छा हाइकू लिखते हैं। महिमा भटनागर के हाइकू में आप देखें, मेरा एक हाइकू जो है वो हाइकू मैं आपको यहाँ अवश्य सुनाऊँगा। वसंत आया खिल उठी कलिया रंगत छाई, वसंत आया खिल उठी कलिया रंगत छाई। तो इस प्रकार से हाइकू लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा है। और सरदार पटेल विश्वविद्यालय में फिलहाल एक शोधार्थिनी जो है गुजरात के हिंदी हाइकूकार पर शोध कार्य कर रही है, जिसमें 7 हाइकूकारों का चयन किया गया है। इसमें हमारे पुरोधा भगवत शरण अग्रवाल, आचार्य रघुनाथ भट्ट, धनंजय चौहान, धीरज वनकर, कांति अय्यर, पूर्वा शर्मा, इन लोगों का समावेश किया गया है। बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है गुजरात की ये मौलिक देन है हिंदी को, हिंदी हाइकू। अन्यत्र कहीं मुझे ये परंपरा दिखाई नहीं पड़ती और आपने बताया कि कितनी सुदीर्घ परंपरा है यहाँ पे, तो ये मौलिक देन हम कह सकते हैं कि हिंदी जगत को गुजरात की है। दूसरी सर, पत्र पत्रिकाओं पर अगर कौन कौन सी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं गुजरात से प्रकाशित हो रही हैं, हो रही थी या हो रही हैं अभी वर्तमान में, कौन कौन सी हैं विशेषकर, उस पर आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को लाभ होगा उससे। जी अच्छी बात है। कोई भी किसी भी भाषा का साहित्य वो तो मैं समझता हूँ तभी समृद्ध होगा। रचनाकार, कई रचनाकार नए नए नवोदित रचनाकार आएंगे, रचनाएं लिखते जाएंगे, लेकिन जब तक उनकी रचना किसी पत्र या पत्रिका में प्रकाशित नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि वो साहित्य जो लिखा गया है वो पाठकों तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए साहित्य को समृद्ध करने में पत्र पत्रिकाओं की भी एक महती या अहम भूमिका रहती है। गुजरात से फिलहाल जो पत्र पत्रिकाएँ निकल रही है, इसी में से मैं पहले पत्रों का नाम दूंगा। गुजरात में से राजस्थान पत्रिका एक यहाँ निकल रही है, वर्षों से अनवरत निकल रही है। दूसरी पत्रिका जो है गुजरात वैभव पत्रिका, ये भी अहमदाबाद महानगर से निकलती है। तीसरी पत्रिका जो है वो बड़ौदा से निकलती है, पत्रिका हिंदी में है लेकिन इनका शीर्षक थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि गुजराती बोल। ये मूल पत्रिका हिंदी में निकलती है लेकिन उसका शीर्षक जो है वो गुजराती बोल रखा है। ये 3 पत्र जो है वो दैनिक पत्र जो है वो गुजरात से निकल रहे हैं। महात्मा गांधी जी के कहने के परिणाम स्वरूप मूलतया शिक्षक थे, अध्यापक जो थे, और उन्होंने गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की, आदरणीय जेठालाल जोशी जी। जेठालाल जोशी जी ने गुजरात प्रांतीय प्रचार समिति की स्थापना की और उस प्रचार समिति की एक पत्रिका है, तकरीबन 7 दशक से वो पत्र पत्रिका मैडम वो जो पत्रिका है, पहले मासिक पत्रिका थी, अभी त्रैमासिक है, गुर्जर राष्ट्रवीणा। ये गुर्जर राष्ट्रवीणा एक ज्येष्ठ पत्रिका 7 दशकों से लगातार निकल रही है, जिसे संपादक फिलहाल जो संपादक कार्य कर रहे हैं शरद जोशी जी, जो जेठालाल जोशी जी के पौत्र है, और उनके पौत्र सत्यम जोशी भी अभी ये अनवरत जो ज्योति हिंदी की जो जगा रहे हैं गुजरात में प्रचार और प्रसार की। दूसरी पत्रिका जो है हमारे हिंदी के जाने माने, गुजराती के जाने माने रचनाकार परम आदरणीय चंद्रकांत मेहता साहब। चंद्रकांत मेहता साहब के संपादन में
नूतन भाषा सेतु पत्रिका निकल रही है। पहले अम्बाशंकर नागर जी संपादन कर रहे थे, उसके बाद राम कुमार गुप्ता जी कर रहे थे, और अभी जो है ये हमारे चंद्रकांत मेहता साहब ये नूतन भाषा सेतु नामक पत्रिका का संपादन कर, दो पत्रिकाएँ जो है ये हमारे अहमदाबाद महानगर से निकलती है। इसके अतिरिक्त सूर्यदीन यादव नड़िया से तकरीबन 20 साल से एक त्रैमासिक पत्रिका निकाल रहे हैं जिसका नाम है साहित्य परिवार, और साहित्य परिवार पत्रिका उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों जगहों से एक साथ में प्रकाशित होती है, और उसमें जो नए रचनाकार जो है, नए कवि है, गजलकार है, कहानीकार है, समीक्षक है, इनकी रचनाएं उसमें वो प्रकाशित करते हैं ताकि नए जो रचनाकार हैं उनका हौसला बढ़े और साथ साथ में इनकी रचनाएं पाठकों तक पहुंचे। एक और वल्लभ विद्यानगर से हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अभी जो अध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप मेहरा जी जो है वो साहित्य विथी का नाम की एक पत्रिका निकाल रही है, और उस पत्रिका में भी वो गुजरात के विशेष करके जो रचनाकार हैं इनकी रचनाओं को वो प्रकाशित करते हैं। बड़ौदा से एक पत्रिका निकलती है, वो छमाही है यानी अर्धवार्षिक है, हिंदी प्रभा, और इसके जो संपादक है डॉक्टर माणिक मृगेश, ये पत्रिका ये निकल रही है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रिकाएं पहले निकलती है किसी कारणवश वो बीच में कहीं बंद हो रही है, ऐसे एक शब्द संचार डॉक्टर आर एच वणकर जी की, एक कलम पत्रिका जो है वो डॉक्टर के सुंदर रंजन चौहान, डॉक्टर धीरज वणकर आदि लोग ये पत्रिका निकालते थे, शब्द लोग अर्जुन तड़वी पाटन जो है वहीं से निकालते थे। तो इस प्रकार से गुजरात में से कई ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जो निरंतर प्रकाशित हो रही है, और यहाँ के जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों की रचनाओं को वो उसमें शामिल करते हैं, और इस प्रकार से हिंदी का विकास कैसे हो ये काम ये पत्रिका एक महती भूमिका है, क्योंकि पत्रिकाएं अगर निकलेगी नहीं तो किस प्रकार से साहित्य अंदर छपेगा नहीं तो पाठकों तक पहुंचेगा, और ये भी लगना चाहिए कि भी हिंदी भाषी प्रदेश है फिर भी वहाँ हिंदी के लिए इस प्रकार की पत्रिकाएं निकल रही है, पत्र निकल रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेशा पहुँचे कि ये गांधी की भूमि जहाँ गांधी जी ने हिंदी के प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल का काम किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे विस्तार से बताया, और सचमुच ये गांधी की भूमि है, और गांधी जी का दृढ़ता से ये मानना था कि यदि राष्ट्र को एक करना है तो हिंदी को हमें अपनी भाषा बनाना होगा जिससे कि हम पूरे राष्ट्र को एक कर सकेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, जो आपने हमें इतनी जानकारी दी, और इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि गुजरात का कितना बड़ा योगदान हिंदी जगत को हो रहा है, और आगे भी ये इसी प्रकार निरंतर जारी रहे ऐसी हमारी शुभकामना है, ऐसी हमारी इच्छा है, आपके भी नए ग्रंथ प्रकाशित हो और हमें देखने को मिले ऐसी हमारी शुभकामना है। आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरे कुछ विचार यहाँ व्यक्त करने के लिए निमंत्रित किया, और इसलिए मैं तह दिल से अर्चना जी और आपकी यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों कुलपति मैम का भी मैं तह दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अंत में एक छोटी सी रचना केवल मैं सुनाना चाहता हूँ, एक रचना अच्छा सुना समापन होगा। एक मेरी खुद की ही कविता है, कविता बहुत छोटी है, शीर्षक है पेट की आग। जंगल की आग से भी खतरनाक होती है पेट की आग, जंगल की आग से भी खतरनाक होती है पेट की आग, इसे बुझाने इंसान क्या क्या नहीं करता, इसे बुझाने इंसान क्या क्या नहीं करता, चोरी करता, डकैती करता, ईमान बेचता, जिस्म भी बेचता, भ्रष्टाचार खून खराबा करता, गांव गली नगर चौराहे बच पाया ना कोई इससे, उठती आग दब बदन जलाए तब मन हो जाता बेचैन, चेहरा रहता उदास तब तक जब तक पेट में न जाता कुछ अन्न, सुबह हो या शाम वह तो फिर से खड़ी हो जाती जस तस नीत नीत सर उठाए, जंगल की आग से भी खतरनाक होती है पेट की आग। बहुत बहुत धन्यवाद सर।